नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। नगर निगम ने कचरा उठाने के लिए 50 नई गाड़ियों को रोड पर उतारा है। नगर आयुक्त मुकेश कुमार का कहना है कि इन गाड़ियों से न सिर्फ कचरा उठाने की सहूलियत होगी बल्कि गीला सूखा कचरा अलग अलग गाड़ियों में ली जाएगी, जिससे न सिर्फ हमारा शहर साफ सुथरा होगा बल्कि इससे कई बीमारियों से भी बचा जा सकता है। सर, आज नए वाहन मिले हैं सफाई के लिए, इससे पीछे मकसद और क्या है? सी, हम लोगों ने नई एजेंसियों का चयन किया था, लेकिन जो एक कमिटमेंट नगर निगम की तरफ से था कि उनको जो है गाड़ियां हम लोग को उपलब्ध करानी है, वो लंबे समय से चूँकि रांची नगर निगम के पास जो है नई गाड़ियां उपलब्ध नहीं थी और एक 5 वर्ष पूर्व इनफैक्ट या उससे ज़्यादा समय हो चुका था ज़्यादातर गाड़ियों का, इससे ब्रेकडाउन की बड़ी दिक्कत रहती थी और कई बार उसकी वजह से जो साफ़ सफाई का काम है वो उतनी तत्परता से नहीं हो पा रहा था। उसी आलोक में जो है जो राज्य सरकार की भावना है कि जो कैपिटल सिटी है उसकी साफ़ सफाई का स्तर बेहतर हो, बेहतर दिखे, और नगर निगम की पूरी टीम जो है मेयर, डिप्टी मेयर और हम सब लोगों ने कलेक्टिवली एक कॉल लिया कि हम लोग को नई गाड़ियों की दरकार है, और उसी आलोक में 80 जो है नई गाड़ियां, जिसमें कि आप देख सकते हैं सूखा कचरा गीला कचरे का अलग अलग प्रावधान है, टाटा मोटर से हम लोगों ने 80 व्हीकल्स जो है परचेज किया है, जिसमें 40 व्हीकल्स आज पहली खेप उसकी डिलीवर कर दी गई है और 15 दिनों के भीतर दूसरी खेप भी डिलीवर कर दी जाएगी, और ये सारी गाड़ियाँ हम लोग एजेंसीज को हैंड ओवर कर रहे हैं ताकि अलग अलग वार्ड में जो है ब्रेकडाउन की जो दिक्कत है वो भी खत्म हो पाए और जो कचरे का निस्तारण है, कचरे का प्रबंधन है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से और ससमय हो सके, इसी सोच के तहत जो है रांची नगर निगम काम कर रहा है और भी नए कुछ फीडर्स और भी कुछ उपलब्धियाँ हम लोग बहुत जल्द इसमें ऐड करने वाले हैं। मुकेश जी, गाड़ी तो आप लोगों ने ला दी है लेकिन अभी तक लोगों में अवेयरनेस नहीं है, सूखा और गीला कचरा हमेशा इधर उधर फेंक देते हैं, इसका अवेयरनेस को लेकर आप क्या करेंगे? अच्छी बिहेवियरल चेंज हमेशा एक बड़ा टास्क रहा है, आप केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट सिस्टम के जरिए जो है बिहेवियरल को चेंज नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये एक प्रयास है। अगर लोग गाड़ियों को घूमते हुए देखते हैं कि सूखा कचरा गीला कचरा उस पर लिखा है, और जब जो हमारे जो कचरा कलेक्ट करने वाले लोग जो जा रहे हैं हमारे सफाईकर्मी, वो डेफिनेटली ट्रेन करेंगे घर घर के जरिए, और आप लोग की मदद से भी हम लोग इवन रेगुलर IC कैंपेन भी हम लोगों ने बोला है अपनी टीम को कि एक IC प्लान भी बनाने के लिए जिसमें हम लोग लोगों को अवेयर कर सकें, और आपके ज़रिए चूँकि मीडिया एक ऐसी महत्वपूर्ण एक ऐसा तंत्र है जिसके जरिए हर लोगों तक बात पहुंचाई जा सकती है, मैं आपके ज़रिए भी अपील कर रहा हूं कि कोई भी शहर केवल सरकारी प्रयास से या निगम के प्रयास से या किसी माननीय प्रतिनिधि के प्रयास से जो है साफ नहीं हो पाता जब तक हम सब लोग तय नहीं करते हैं। केवल एक छोटी सी अपील है कि हम लोग घरों के भीतर जो कचरे का प्रबंधन करें, कचरे का संधारण करें, 2 डस्टबिन मिनिमम आप रखें जिसमें एक में सूखा कचरा और दूसरे में गीला कचरा रखें, और अगर आप कंपोस्टिंग का काम घर के भीतर नहीं कर रहे हैं तो आप सूखे को सूखे कचरे के कंपार्टमेंट में और गीले कचरे को गीले कचरे के कंपार्टमेंट में भेजेंगे तो शहर को साफ रखने में बहुत सहूलियत होगी। कचरे को रिसाइकिल करने के लिए नगर निगम क्या कर रहा है? कचरे के रिसाइकिलिंग को लेकर हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, चूँकि अगेन ये एक संस्थागत दिक्कत थी और इसका प्रबंधन हमेशा चैलेंजिंग रहा है। रांची जैसे शहर में अभी तक जो है इस पर बहुत ठोस हम लोग अचीवमेंट नहीं कर पाए थे, लेकिन अभी गेल के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है, ऑलरेडी निविदा उनकी फाइनल हो चुकी है और बिना कोई राशि नगर निगम की तरफ से दिए हुए राज्य सरकार के निर्देश पर जो है एक MOU करा था उस पर उनकी एजेंसी तय हो गई, उन लोगों ने अपना काम प्रारंभ कर दिया है, लेकिन उस प्लांट को बन के तैयार होने में अभी 8-9 महीने और लगेंगे। साथ ही साथ जो लेगेसी वेस्ट है उस पर भी जो जुटको है हमारे यहाँ वो काम कर रही है, विभाग जो है उसका RFP प्रिपेयर कर रही है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि फरवरी मास तक जो लेगेसी वेस्ट आपको झीरी में दिखाई पड़ता है उसकी भी निविदा करा दी जाएगी, और उम्मीद करें कि आने वाले समय में झीरी के पास जो है जो भी राज्य सरकार या नगर निगम की पूरी टीम जो भी निर्णय लेगी, मुमकिन है कि कोई बहुत बढ़िया पार्क या बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नगर निगम के पास जो है उसी कचरे को हटाकर उस ढेर के ऊपर होगा, और हम सब लोगों को शायद आने वाले समय में यकीन नहीं हो कि यहाँ पे कभी 20 साल से बड़ी मात्रा में गार्बेज को जो है डंप करा हुआ। सर, दूसरा एक मुराबादी में जो दुकानें लगती थी निगम की पहल से, फिलहाल तो मामला सॉर्ट आउट हो गया है, आगे इस पर क्या होना है? असी बहुत स्पष्ट है, वेंडिंग जोन ऑलरेडी राज्य सरकार के निर्देश पर जो है विभागीय सचिव और हम लोगों ने राउंड लेकर ऑलरेडी वेंडिंग जोन का निर्णय लिया हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे तमाम जनप्रतिनिधियों ने जयपाल सिंह स्टेडियम में ऑलरेडी जो है इसका शिलान्यास कर दिया था, 3 वेंडिंग जोन के ऊपर काम प्रारंभ हो गया है, हम लोग आज फिर से राउंड भी ले रहे हैं। जो हमारे रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं, जो पहले से रजिस्टर्ड हैं, जो एक्नॉलेज जिनको करा गया है निगम की तरफ से, उन वेंडर्स को नहीं हटाया जा रहा, उन वेंडर्स को तत्काल हम लोग अलग अलग जगहों पर रख रहे हैं ताकि ये जो एक कन्फ्यूज़न हुआ था कि
पाँच छः महीने तक, जब तक कि आठ महीने तक जो निर्माण कार्य में समय लगेगा, उस वेंडिंग जोन के बीच में उस पीरियड में कहाँ जाएंगे। लगातार जो है डिप्टी मेयर साहब ने भी और अलग अलग जनप्रतिनिधियों ने भी, चाहे वो विपक्ष के विधायक हो, सरकार के सिटिंग गवर्नमेंट के MLAs हों, अलग अलग लोगों ने, अलग अलग फोरम ने भी इसकी वकालत करी कि इस अवधि में भी इनको बसाया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने इस मसले को गंभीरता से लिया और हम लोगों ने तय किया कि फिलहाल एडहॉक बेसिस पे हम लोग इनको जगह उपलब्ध करा रहे हैं। जो रजिस्टर्ड रिकग्नाइज्ड वेंडर्स हैं निगम के जरिए, कल उनसे हमारी वार्ता भी हुई है, कल उनको ये स्पष्टता भी की गई और दे आर वेरी हैप्पी इनफैक्ट। और जैसे ही हमारा वेंडिंग जोन कंप्लीट हो जाएगा, उन जगहों के ऊपर उसको शिफ्ट करा जाएगा और रांची के पास आने वाले समय में अपना इन्हीं वेंडर्स को इस्तेमाल करते हुए एक नाइट मार्केट भी हो। देखिए, लगातार पिछले दो तीन वर्षों से अगर हम देखेंगे तो सफाई तो हो रही थी लेकिन अधूरी सफाई रांचीवासी झेल रहे थे। उसी को देखते हुए नई कंपनी पिछले वर्ष आई CDC, और उन्होंने सफाई का जब काम शुरू किया तो उसके पास भी वाहन का अभाव था। और चूंकि वाहन का पैसा हम लोगों के पास दो तीन वर्ष पूर्व ही हमारे निगम में पड़ा हुआ था, तो हम लोगों ने निर्णय लिया और टेंडर में भी उसके प्रावधान थे जिसमें हमें उन लोगों को ऑटो इस तरह के खरीद के देने थे। आज हम लोग इसी के तहत पहले फेज में 40, दूसरे फेज में फिर 40 ऑटो देने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि सभी वार्डों में, चूँकि बोर्ड की बैठक में आप देखते हैं कि प्रत्येक वार्ड पार्षद लगातार डिमांड करते हैं कि हमारे वार्ड में टेम्पो की कमी है, ट्रैक्टर की कमी है, तो उन कमियों को हम जरूर इस खेप से पूरा करेंगे। और आने वाले दिनों में हमारी योजना है कि एक गैरेज का भी अपने अंदर एक गैरेज का प्रावधान हो जाए, जिससे कि इनको बनाने की जो समस्या आज के दिन आती है उसमें लंबित होने का काम होता है, उसके कारण सफाई रुकता है, तो वो भी उसको ठीक करने का काम हम उससे करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।